आप सभी को नमस्कार, कार्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीत कंपनी के इस हार्वेस्टर के बारे में जो अभी जस्ट लॉन्च हुई है। तो सबसे पहले वीडियो आपको अपने चैनल में मिल रही है, तो जल्दी जल्दी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो यह इसका नया मॉडल प्रीत का जो डबल थ्रेसर में लॉन्च की गई है, नए लुक के साथ और नए कलर के साथ। तो इसके काफ़ी कुछ नए फीचर भी ऐड किए गए हैं, वो आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो एक एक चीज वीडियो में मिलेगी आपको, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो सबसे पहले रील देख सकते हैं आप, रील का डाय देख सकते हैं, पूरा बड़ा डायमीटर है और 6 रील पाइपें हैं और इसके टाइन हैं। ये देखो पहले से कुछ अटके हैं, बिल्कुल हैवी ड्यूटी की चैन टाइन मिल जाती है इसमें। और रील पल्ले हैं ये पूरे हैवी दिए गए हैं, फोल्डिंग वाले दे रखे हैं। और साइड में सेफ्टी कवर मिल जाते हैं जो बल्टों के ऊपर है और सभी पर हैंडल दिए गए हैं। इस प्रकार से कुछ ये बेल्ट जैसे अपना टाइट लूज हो जाता है, जब पुराना अंग इसके हो जाता है तो उस टाइम पे इसका एडजस्टिंग कर सकते हैं। और ये फ्रंट ऑगर आ गया अपना, कटर का ऑगर जो अनाज को अंदर ले जाता है, तो इसका डायमीटर भी पूरा बड़ा है। इसका फायदा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल यहीं पर टूट जाए ताकि मशीन को आगे कम लोड पड़े। और 3 फीटर पट्टी है इसमें और 4 चैन है। और ये इसका मोटर आ गई, प्रीत की मोटर है कुछ इस प्रकार से, 14 फीट का कटर है ये। ये इसका जोड़ने का सिस्टम देख लो, छह नंबर का भी रहता है ये बैरिंग। और फ्रंट लाइट देखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिलती हैं, काफी शानदार लाइट मिल जाती है, क्रिस्टल लाइट, ऊपर डबल लाइट मिलती है रूफ में। आगे से इसका लुक दिखा देता हूँ एक बार, फ्रंट लुक। वही इसमें MRF के 18-34 के टायर मिलते हैं, अपने जो नॉर्मल हार्वेस्टर में आते हैं, पहले मॉडल आते थे उनमें थे। और इसमें ये फ्लैट सिस्टम आ गया, और एक चीज़ है और ये इसमें लगा दी अब सपोर्ट कर दी, ताकि फ्लैट उतरने का जो आते थे प्रॉब्लम आते थे वो अब नहीं आएगी। ये लगा दिया उसके साथ में जॉइंट है ये, तो अपना हटा भी सकते हैं नट की सहायता से और ये वहाँ से निकल भी जाएगा बाद में अपनी चोटी उतार के और उतर जाएगा। और ये अपने चाबी अपन ना लेकर उतारनी, जो अपने हाथ से उतार सकते हैं कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। अपने लगानी है जैसे बास्केट की सेटिंग करनी है या कभी चौक हो गई मशीन, तो उस टाइम पर आसानी से खोल सकते हैं। और ये आ गया अपना पीछे वाला डबल थ्रेसर जो इस मशीन में नया किया कुछ, तो आगे बास्केट थ्रेसर है वो आगे रह गए और पीछे वाला एक और डबल थ्रेसिंग आता है वो कुछ इस प्रकार से, पीछे बास्केट भी है साथ में उसके और साथ में वो दूसरा थ्रेसर भी है, पर बार वाला नहीं है, ये अपने स्पाइक्स टाइप से मान सकते हैं उस टाइप में। इसमें ये थ्रेसर आ गया, इसको चलाने का सिस्टम इसी के साथ है, जैसे उस पर से बल्ट आ गए इसके ऊपर, इसका भी हैंडल है जैसे लूज हो गए कभी तो डबल बल्ट दे रखे हैं ये, अपना आगे से लगा के पहले बाद में पीछे चढ़ जाएंगे, पहले ऊपर से लेने पड़ेंगे इसके अंदर से, तो क्योंकि अंदर की साइड में पूड़ी है तो इतना इसका साइज होगा बल्ट का कि वो इस पूड़े के अंदर से चला जाए। और सभी पर ग्रीस पॉइंट मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार के, और इससे इसकी सेटिंग हो जाएगी, बास्केट की सेटिंग इसकी यहाँ से दे रखी है, जैसे अपने डबल आगे वाले की तो आगे से हो जाती है वो पूरी बड़ी होती है वहाँ से, और इसकी यहाँ से होगी नीचे से। बाकी हाइड्रोलिक हाइलोक आ गया ये साइड, और ये अपने एयर टैंक आ गया, जैसे हवा भरनी है या मशीन पर हवा मारनी है उसके लिए एक पाइप और लगाई और काम अपना शुरू। ये सिंगल में आ गया, देखो पूरा सिंगल एक में बना हुआ है ये, और सभी जो डबरी हैं वो लोक वाली दे रखी हैं A to Z, और इनमें रबड़ गुट के आ गए।
और ये फ्लोर वाला फैन आ गया, इसके हवा की एडजस्टिंग केवल इससे ही होगी। और दूसरा खोलने बंद करने वाला दूसरी साइड मिलेगा, इस साइड तो नट है, दूसरी साइड मिलेगा उसका, वो देखते हैं एक बार। और पिक्स के बल्ट हैं, जितने बल्ट हैं देखो पिक्स के बल्ट लगा रखे हैं, ये नहीं कोई वैसे वो बढ़िया कंपनी के बल्ट लगा रखे हैं। और सात नंबर के बर्मे वाले बैरिंग हैं, ये है एफ एस बी के बैरिंग है ये। और डबल बैटरी बॉक्स मिल जाता है, एक साइड की बैटरी लगा रखी है, काफ़ी अच्छी कंपनी आती है एक साइड की। और ये टूल बॉक्स आ गया, और ऊपर एक और टूल है जैसे कुछ सामान रखना है उसके लिए। और ये नीचे बड़ा टूल आ गया अपने कलर की जस्ट, डबल में है ये, दोनों में सामान रख सकते हैं अपना, एक ऊपर एक नीचे। बाकी बात लगाया और ये बंद हो गया, कुछ नया कलर है अभी, इस पर ताला भी लगा सकते हैं अपने या पिन लगा दो। और पीछे के टायर इसमें मिल गए आपको 916 के, अपोलो के टायर हैं पीछे के 916 के। और पीछे ये भी मिल जाती है अपने टायर उतारने या डबल 4x4 करना है अगर किसी भी कारण, या खड़ी करनी उस टाइम पर लगानी है तो ये डी दे रखी यहाँ पे, नीचे करके लगा सकते हैं अपने जैक भर के, तो टायरों का प्रेशर कम हो जाता है टायर पर से। ये सभी के इसके बल्टों के सब का स्टिकर है, चाहे वो ग्रैंड टैंक का है, फ्लैट का, सभी जो जो भी हैं सभी यहाँ पे दे रखे हैं। और 6 नंबर के अभी इसमें ग्रैंक के, यहाँ पर अपना इसमें सिस्टम अगर लगवाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा 5-स्टार रेटिंग के साथ। ये इसकी सीप आ गई कुछ इस प्रकार से, तो इनकी एडजस्टिंग करनी है, ये नट लूज किया और आसानी से आप इसकी एडजस्टिंग कर सकते हैं, इस शेप को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे करनी है। यहाँ पे नट दे रखी है इसी में डबरी, लॉक डबरी, तो अपना खोल के ऊपर या नीचे करनी अपने अनाज की सफाई के आधार पर कर सकते हैं। आगे पूरा बेड मिल जाता है और डबल शेप मिल जाती है, दो आगे और एक पीछे, ये 5 स्टाव आकर में आती है मशीन है। और वुडन के गुट के आते हैं, सभी लोग डबरी लगा रखे हैं। पीछे की लाइट देख सकते हैं यहाँ पे, पूरी शानदार लाइट दे रखी है। और पीछे से अपने ऊपर जाना है तो आप कट लगाते उस टाइम पे ऊपर करनी पड़ेगी, अपने ऊपर हो जाएगी, ऊपर उठाएंगे, अन्यथा मोड़े पर दिक्कत आ जाती है, साइड वाली में नहीं आती। अब सील्ड में आती हैं जो जो मशीनें, उनमें कुछ पीछे साइड में आती है, तो इसका किसान भाई ज़्यादा ध्यान रखे, अपना ऊपर कर ले जब भी वो करते हैं, कई बार ध्यान नहीं रहता तो टूटने की शिकायतें भी आती हैं। बाकी पूरी मजबूत सीढ़ी लगा रखी है, नहीं कि पूरी सेफ्टी के साथ पूरा देखो आराम से पैर टिकेगा, फिसलने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मशीन आगे पीछे होती है तब भी ऊपर चल जाते हैं, हेल्पर कोई साफ करने तेल देखने या और भी कई कारण हो जाते हैं, तो अच्छे से आराम से पैर टिक जाएगा, इस पर से गिरने का वो नहीं है। और लगभग 350 लीटर के आसपास इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है। और ये बर्मे का आ गया, स्टील बॉडी में आता है ये, नीचे जो घसने वाला जिसके ऊपर चैन चलती है पूरा स्टील का दे रखा है, ताकि इसकी घसाई कम से कम हो, क्योंकि काफ़ी बार देखते हैं जब पुराने हो जाते हैं तो यहीं के प्लेट लगवानी पड़ती है, घस जाते हैं वो। और ये अपनी असेंबली वाली चैन है, ये लूज करनी है, टाइट करनी है, तो इसकी एडजस्टिंग हो जाएगी, अपने आधार पे कर सकते हैं। और ये एडल आ गए, जैसे अपने हर एक बेल्ट के ऊपर एडल आ जाते हैं, ये सेंसर सिस्टम कितने चक्रों पे अपनी मशीन चल रही है तो उस चीज़ का पता चल जाता है। तो अपने अलग अलग जो दो फसलें होती हैं उनमें हिसाब से चक्कर रखने पड़ते हैं, तो अपने उस मीटर में देख के उस आधार पर इसके चक्कर कम ज़्यादा रख सकते हैं, ताकि अनाज का नुकसान कम से कम हो, कम तोड़े और बढ़िया सफाई आए, क्योंकि सही मेन जो बात होती है पूरी थ्रेसर पर होती है, सही बास्केट बंधने की और थ्रेसर की।
ये अपनी बर्मो वाली चैन आ गई। ये जैसे टाइट करने पहले छोटे नट आते थे तो ये बड़े कर दिए, और ये सेंसर वाला आ गया, जैसे स्पॉट भी दे दी इसको ताकि टूटे नहीं यहाँ पे किसी चीज़ को लग के। और हर एक प्रिंट पर भी बड़ी लाइट दे रखी है, छोटी वाली लाइट नहीं है। 5 नंबर का इसके लिए ठीक है बैरिंग, कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर के आते हैं इसमें। और आगे धूल गर्दे को उड़ाता रहे। और यहाँ पे अपने रेल ऊपर नीचे करनी हाइड्रोलिक पंप दे रखे हैं इसमें, अंदर की साइड में है ये। और यहाँ पर अपनी पाइप लग जाएगी जो यहाँ पे लगा के छोड़ रखे है। ये और आ गए इसके, वो तेल की सप्लाई आ गई, जैसे पूरी बड़ी पाइप चार के काफ़ी में देखते हैं, बिल्कुल पतली पतली पाइपें आती हैं, 2-3 4 पाइप आती हैं बिल्कुल पतली पतली हर एक के अलग। पर इसमें मोटी आ रखी है अपने एक सही ढंग से, जिससे यहाँ पर सभी में सप्लाई दे रखी है एक सही। इसके काफ़ी बेनिफिट भी हैं और कुछ खामियाँ भी हैं, तो वो एक और प्रॉपर वीडियो में बात करेंगे। या फिर इसके अंदर की साइड में बैरिंग या बूस्ट टाइप में आने लगे अभी, तो काफ़ी में कुछ अलग तरह से आता है सिस्टम ये। और ये है इसका जो बेसिक फीचर है, तो 133 HP का इसमें इंजन आ जाता है जो 2300 RPM पर चलेगा। 6 सिलेंडर इंजन है ड्राई टाइप का, सिंगल हैवी ड्यूटी का ड्राई टाइप का कल्स मिलता है। और वही अपने हिसाब से ले सकते हैं, 3+1 में गियर भी मिल जाएगा या 4+1 में गियर मिल जाएगा, वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसके कटर की चौड़ाई जैसे 14.25 फीट आ गई, तो बाहर का कुछ छोड़ते हैं, लगभग 14 फीट तक की कटाई ये कर देगी फसल की। और उसके बाद जैसे थ्रेसर का आ गया, जैसे आगे 2 थ्रेसर है इसमें, पहला दूसरा, 2 थ्रेसर दे रखे हैं इसमें, तो दोनों का थ्रेसर आपको मिलेंगे, 2 आगे के मिलेंगे 1 पीछे आता है इसमें, टोटल 3 थ्रेसर हो जाएंगे। तो अपने धान के लिए आता है वो, आगे का अलग थ्रेसर आता है तो वो आपको साथ में मिल जाएगा। तो अगर ये मशीन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अन्य जानकारी भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो सी पेन की 2.45 m² है, और नीचे की है 1.73 m², तो 2 की देर की 1 पीछे वाली वो रह गई, या ऊपर वाले के साथ लंबाई में दे दी है, क्योंकि आगे वाली हैं दोनों सेम होती हैं। तो पीछे तक आ गई जो छोटी जुड़ती है उसके साथ में है ये 2.42 m², और नीचे वाली सिंगल दे रखी है क्योंकि नीचे वाली छोटी आती है। तो दोनों का क्या काम होता है उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जैसे कौन सी शिप से कहाँ पर क्या आना जाता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार आप जाके देख सकते हैं। ये अपनी बैटरी आ गई, जैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम का ग्रैंड टैंक अपना 25 क्विंटल का लगभग है, और फ्यूल टैंक 365 लीटर का, 365 लीटर का फ्यूल टैंक है, और 25 क्विंटल का ग्रैंड टैंक मिल जाता है इसमें लगभग। और बाकी अलग अलग फसल पर आधारित होता है ये, वीट के अनुसार है, मतलब गेहूँ के ऊपर आधारित है, बाकी और फसल में वो उसके वेट के हिसाब से हो जाता है। ये इसकी लंबाई चौड़ाई आ गई, लगभग 94 क्विंटल 50 किलो की मशीन है ये पूरी। तो ये पूरी अपने एक बार पट भी सकते हैं यहाँ पे, सके शॉट ले लेना एक बार क्वालिटी पूरी करके इसके, और सके शॉट ले लेना, पूरा मिल जाएगा आपको।